राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, और जैसे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको कमजोरी भी हो जाती है और सर्दी भी बहुत जल्दी हो जाती है। सर्दी हो जाती है तो खांसी भी आने लगती है, तो बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। फिर खांसी आने के साथ साथ गले में बलगम सा लगता है कि हाँ, बलगम सा अटका है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहे हैं, इससे जो है सर्दी खांसी नहीं होगी। और बहुत ही ज़्यादा ये कारगर घरेलू नुस्खा है, तो वही आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे। तो गले में जैसे सर्दी हो जाती है तो गले में बलगम सा अटकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये खांसी आती भी है, और खांसी आती गले में जब कहीं हिचकिचाहट सी हो जाती है, कुछ बलगम सा होता है तो खांसी जैसे आने लगती है, गले में सूजन आ जाती है तो खांसी आने लगती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय हम बताने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 10 लगभग में 10 बादाम, एक बार के लिए ये जो है नुस्खा बता रहे हैं। तो आपको लेनी है 10 बादाम और थोड़ी सी 20 ग्राम के करीब खाड़। खाड़ जो जो गुड़ टाइप में आती है, खाड़ वो या बूरा कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको लेनी है 20 ग्राम, और उसके बाद में आपको लेना है 20 ग्राम काली मिर्च। आपको थोड़ा सा ले लेना है बूरा, और इन तीनों चीज़ों को मिक्सी जार में, छोटा वाला जो जार आता है उसमें डाल के, और बस उसको मिक्स कर लेना, पीस लेना है अच्छे से, जैसे बुरादा बन जाए, एकदम बुरादा सा महीन महीन सा पीस लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको लेना है दूध, रात में दूध लेने के बाद में, और गुनगुना दूध हो। और उसके बाद आपको 1-1.5 चम्मच के करीब आपको ले लेना है ये जो आपने पाउडर बनाया है, तो उसको ले लेना है और बस उसको खा लेना है। उसके बाद में गरम गरम गुनगुना सा दूध पी लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है जो कफ बलगम जो जमा हुआ है वो भी, उसमें भी आराम मिलेगा। और जो भी आपको सर्दी खांसी से समस्या हो रही है, सर्दी आपको लग रही है, तो वो सारी समस्याओं के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। तो आप लोग इसे करके, और इसको इस नुस्खे को बनाना तो 2 मिनट का काम है। आपके पास घर में बादाम भी होंगी, और अगर बूरा नहीं है, खांड नहीं है, तो आपको आप उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ तो होगी ही, और काली मिर्च। तो 20 ग्राम के करीब काली मिर्च आपको डाल लेना है, और बस उसको चलाना है। और जब वो पाउडर सा बन जाए, बस उसको 1-1.5 चम्मच के करीब उसको खा लेना है गुनगुने दूध के साथ में। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, और ये उपाय करके आप लोग जरूर देखना। तो इससे आपको जो है सर्दी खांसी की समस्या से आराम मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।